सर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम असद अली तूर है। मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में दोबारा से एक हरासमेंट का वाकया पेश आया है। किसी को अगवा करके साथी स्टूडेंट्स ने किया है, लेकिन ना तो ये पहला वाकया है और ना ये आखिरी वाकया होने वाला है। लेकिन इन वाकयात के सदेबाब के लिए एक प्रॉपर फोरम की तश्कील का मुतालबा है, और वो है कि हरासमेंट कमेटीज बनाई जाए जो ऐसे वाकयात का सदेबाब करें। हम सुनते हैं कि फलाँ प्रोफेसर ने हरास किया तालबा को, तो वो कंप्लेंट हुई, तो वो खुद यूनिवर्सिटी चांसलर जो होते हैं वो कोई कमेटी बना देते हैं, और वहाँ पर मोस्टली हम देखते हैं कि फेवरेटिज्म हो रहा होता है, और वाकयात बहुत कम ही होकर वहाँ पर कोई सजा मिले। एक अलग कराची का वाकया है, उसके अलावा वहाँ पर भी कोई सजा नहीं मिलती। तो बेहतर है कि प्रॉपर एक फोरम तश्कील दिया जाए, एक कमेटी बनाई जाए जो सिर्फ इसी इशू को फोकस करके काम करे, तो कम अज कम ये वाकयात का सदेबाब तो हो सके, मुस्तकबिल के लिए डिस्करेजमेंट तो हो सके। जब नहीं होती डिस्करेजमेंट तो फिर हरासर को इनकरेजमेंट मिलती रहती है, और इसी वजह से ये वाकयात होते हैं। तो इस कमेटी का क्याम बहुत ज़रूरी है, एक जायज मुतालबा है, और अगर हम देखें तो आईनी और कानूनी मुतालबा भी है। नलीब गादी नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया जो कि इस्लामी जमीयत तुलबा का वहाँ पे नाजिम था, उसकी जानब से लड़की के साथ ज्यादती की कोशिश की गई जिसमें उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें तो इस्लामी जमीयत तुलबा जो कि अपने आप को एक तालिबे इल्म तंजीम कहती है, तुलबा के हकूक़ के लिए वो आते हैं बात करने की, कहते हैं कि हम तुलबा के हकूक़ की बात करते हैं। उस तंजीम का रद्द अमल आप ये देखें कि उसके अंदर इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर सारे जराइम पेशा अफराद, या तो वो बच्चों पर हमला करने के लिए लाए जाते हैं या इस तरह के हरेसर्स को लाया जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये इमाजगा है जमीयत जराइम पेशा अफराद है। इस तरह के लोगों को भर्ती किया जाता है ताकि कैंपस पे खौफ और हरास खौफ की फजा जो है कायम रखी जा सके। तो इस सारे के बावजूद जब अब पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म आम तुलबा इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो इस्लामी जमीयत तुलबा की जानिब से उन लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, इवन के डिसेबल स्टूडेंट्स को धमकियां दी जा रही हैं। उनको कहा जा रहा है कि हमारा कोई मियार ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, अगर तुम्हारा कोई मसला है तो शायद तुम अगली दफ़ा जब तुम व्हील चेयर पर होगे तो शायद ये टांगे भी तोड़ दें जो तुम्हारी चल नहीं रही। इस किस्म के घटिया किस्म के रिमार्क्स ये दे रहे हैं, बच्चों को थ्रेट कर रहे हैं, और अगर अब ज़रूरत है कि रियासत हमारी हुकूमत ये लोग इस तरह की जो फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें हरेसर्स हैं जिनमें इस तरह की गुंडागर्द नासिर हैं उनको कैंपसेस पे बैन करे ताकि जो तालिबे इल्म है वो पढ़ सके। अगर हम लोग इसमें अगर हमारी रियासत अभी भी कुछ नहीं कर सकती, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अगर इनके सामने लाचार है बेबस है, तो हम तुलबा इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, चाहे वो कोई भी कुव्वत हो, चाहे वो हमें जितना मर्जी धमका ले, चाहे वो समझे कि हम डर जाएंगे। तो ना हम पहले डरे थे इस तरह के गुंडागर्द नासिर से और ना ही अब हम डरेंगे। तो मेरा ये सिर्फ अब रियासत से और पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के हरेसर्स को और गुंडागर्दों को कैंपस से निकाल लें जिनकी 40 साल की तारीख है कि उन्होंने कैंपसेस पे जुल्म किया है, खून बहाया है, लड़कियों को हरासा किया है। उस तरह के अनासर को बेलगाम छोड़ा जा रहा है हमारे कैंपसेस पे। तो मैं इस मामले पे प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव, हकूक के खल्क मूवमेंट और पूरे मुल्क का जितना तरक्की पसंद सर्कल है वो तुलबा की आवाज़ बनेगा, वो तुलबा के साथ खड़ा होगा चाहे ये लोग कुछ भी कर लें। तो मेरा यही है रियासत और एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो फौरी तौर पर इनके खिलाफ कोई इकदाम करें।